अभी कुछ ही हफ्तों पहले जब पूरे देश में दालों की आसमान छूती कीमतों पर हाहाकार मचा था, तब काला बाजारों पर छापे डालने के लिए राज्य सरकारों को तैयार करने के साथ ही केंद्र सरकार ने इस बारे में भी विचार करना शुरू किया कि देश को दालों के उत्पादन के मामले में किस तरह आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कानपुर के भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र यानी IIPR ने भी भाग लिया। केंद्र ने सरकार को अगले 2 साल में दाल उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का फॉर्मूला पेश करते हुए दाल के उपज क्षेत्र को बनाने का ब्लूप्रिंट पेश किया। देखिए, रकबा बढ़ाने का भी बहुत स्कोप है। एक तो करीब 110 लाख हेक्टेयर जमीन जो है पूर्वी भारत में ऐसी है जिसमें धान के बाद कुछ नहीं होता है, तो उस जमीन में जो हमारी दलहनी फसलें जो कम पानी जिनको ज़रूरत है, वो रकबा दूसरी रबी क्राप इसलिए नहीं होती वहाँ क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता है। तो मेरा ये सोचना है कि यदि दलहनी फसलों को उधर बढ़ाया जाए तो कुछ क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल तो नहीं, फिर भी उसका आधा क्षेत्रफल जो 50 लाख हेक्टेयर जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। इस लिहाज से भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र के अंदर खास प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि धान के खेतों की नमी का इस्तेमाल करते हुए दाल के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में बाकायदा इससे जुड़े प्रयोग सफलतापूर्वक दोहराए भी जाने लगे हैं। इनके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों में भी मिट्टी के लिहाज से दालों का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। देश में 11.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है धान लेने के बाद खाली रह जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में हम दलहनी फसलों को कैसे ले सकें उसके बारे में हमने ये प्रयोग किया है। और इसमें हम जीरो टिलेज के द्वारा चने का बुआई किया है और स्टबल जो है उसका 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर स्टबल हम छोड़ देते हैं, जिससे कि जो मृदा की नमी है उसको संरक्षित किया जा सके। हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, उसमें कुछ राज्य हैं जो कि हम पल्सेस के लिए उपयुक्त समझते हैं, वो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और कुछ बिहार का जो पार्ट है, और कुछ दालें जैसी हैं, सभी तरह के तो दाल नहीं है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि मेघालय स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर में, जहाँ पे हम लोगों ने खोज करी, हम लोगों ने उसके मिट्टी के लिए जो है बहुत ज़्यादा उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन कुछ एक दलहनी फसल जैसे आप समझ लीजिए कि मसूर है, मटर है, ये हम उसके लिए एक्सपेंशन विस्तार कर सकते हैं। लेकिन समस्या केवल रकबे भर की नहीं है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि दालों का उत्पादन रकबा बढ़ाने के साथ ही भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र की योजना देश भर में दालों की उत्पादकता बढ़ाने की भी है। एक अनुमान के मुताबिक केंद्र के खेतों में प्रति एकड़ दालों की जो उपज होती है वही किसानों के खेत तक जाते जाते आधी या उससे भी कम रह जाती है। ऐसे में दालों के उत्पादन पर शोध करने वाले वैज्ञानिक रकबा के साथ ही मौजूदा उत्पादकता बढ़ाने पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं और इसमें सिंचाई के आधुनिक तरीकों की बड़ी भूमिका होने वाली है। और अगर में अगर आप बूंद बूंद सिंचाई करते हैं, टपक सिंचाई करते हैं, तो आम तौर पर जो 20-22 क्विंटल हमको पैदावार मिला है प्रति हेक्टर में, प्रति हेक्टर मतलब 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, उसमें करीब करीब हम लोगों को 35 से 35 क्विंटल तक हमको पैदावार मिला है क्विंटल प्रति हेक्टर, तो ये काफ़ी पर्याप्त है। सिर्फ हमको 2 पानी देना होता है, एक ब्रांचिंग में करीब 90-100 days पर अगर बारिश न हुई उसमें हम लोग सिर्फ 1 पानी दे देते हैं, और 1 पानी का मतलब ड्रिप से अगर मानेंगे तो अल्टरनेट डे में पानी लगाते हैं और करीब 5 दिन में तो 10 दिन तक ये चलता रहता है। टपक सिंचाई और खाद रहित बुआई के तरीकों में बदलाव कर भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र को भरोसा है कि 2 सालों में भारत दालों का उत्पादन 2,40,00,000 टन तक पहुंचा सकता है, जो कि पिछले साल 1,72,00,000 टन रहा था। साल 2013-14 में देश को करीब 31,00,000 टन दालें आयात करनी पड़ी थी, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। और ये हालात तब हैं जब भारत में दुनिया भर के दाल खेतों का 35% है और उन पर विश्व के कुल दाल उत्पादन का 27% यानी 1/4 से ज्यादा का उत्पादन होता है। ऐसे में कानपुर के दाल शोध संस्थान का दावा है कि मांग और आपूर्ति में आ रही करीब 20% कमी को सही रणनीति से आसानी से पूरा किया जा सकता है। देश अमूमन करीब 180,00,000 टन दलहनी फसलों का उत्पादन करता है और करीब जो है 30 से 40 लाख मेट्रिक टन हम बाहर से आयात करते हैं,
इसका मतलब आज में हमारी ज़रूरत है करीब 230 लाख टन दाल की आवश्यकता है, और इसका हम इसलिए इसकी बीच में गैप नहीं उसको कम कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्शन जिस लेवल पर होना चाहिए, जो हमारी ज़रूरत बढ़ती है उसके अनुसार नहीं हो रहा है। तो इसमें दलहनी फसलों में एक जो बहुत बड़ी जो है कमी हमने पाया है कि जो क्वालिटी बीज है उसकी बहुत भारी मात्रा में कमी है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर नहीं आता है, सब पब्लिक सेक्टर में होता है। और जैसा कि केंद्र के डायरेक्टर का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण बीजों की कमी इस दिशा में आने वाली सबसे बड़ी चुनौती है, तो उसे फोकस कर विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। इस मामले में आने वाली मुश्किलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां दालों की खेती में 200 गुना तक ज्यादा बीजों की जरूरत होती है, वहीं इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने की सारी जिम्मेदारी केवल सरकारी संस्थानों पर ही है। दूसरे शब्दों में कहें तो निजी कंपनियों को दालों के लिए बीज मुहैया कराना फायदेमंद नहीं लगता, और इसलिए उन्होंने इसमें कोई पहल नहीं की है। मिर्चा का बीज 500 ग्राम लगता है, टमाटर का बीज 500 ग्राम लगता है, दलहन का बीज 125 किलो लग रहा है, तो इसलिए कोई प्राइवेट वाला आता नहीं है। और इसका जो भंडारण है एज ए बीज वो भी बहुत कठिन है। तो बीज की जो हमारी वो है, अगर देखा जाए तो अगर आप चना में देखें तो 10-15% क्षेत्रफल में ही हमारे गुणवत्ता एक तो अच्छे प्रजातियों का बीज जा पा रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर उन्नतशील प्रजातियों का बीज उत्पादन अगर कृषकों के भागीदारी में किया जाए, क्योंकि आज सीड विलेज कंसेप्ट, ग्राम जो है बीज का एक कंसेप्ट आ गया है, उसको अब हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। शोध केंद्र में दालों की ऐसी विशेष प्रजातियां भी विकसित की गई हैं, जो भीषण गर्मी में भी कम पानी से बेहतरीन उत्पादकता दे सकती हैं। मान लीजिए आपके पास गेहूं है और दूसरा फसल है और वो आप कटाई नहीं कर पाते हैं, तो आप अप्रैल 8 या 10 तक चले जाते हैं, तो ये देखें कि भीषण गर्मी की वजह से आपको 3 पानी देना पड़ेगा। इसका मतलब प्री सोइंग इरिगेशन के साथ आपको अप्रैल 10 या 12 सोइंग के जो आप समर मूंग लगाएंगे उसमें 3 इरिगेशन देना पड़ेगा, वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है। जो ठंड मतलब विंटर लेगूम्स कहते हैं, जो शीतकालीन जो है फसलें हैं दलहन की, उसमें हम जो है 500 से 600 मिलीमीटर तक बारिश अगर हो जाए उसके भी, तब वो ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में नमी मौजूद रहती है और किसान अक्टूबर तक जो है उसको बो डालते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी अगर रेन हो जाए, इवन आप समझ लीजिए कि भाई ओस ठीक ठाक हो जाए, ये जो ओस के पड़ने से भी जो है काफ़ी मात्रा में नमी वो वातावरण से खींच लेता है, और जो है अगर थोड़ा सा भी ड्रिजलिंग हो जाए, हल्की बारिश अगर हो जाए दिसंबर या जनवरी में, उसके लिए पल्सेस के लिए बहुत ही अच्छा है। रकबा और उत्पादकता बढ़ाने के अलावा खेतों से दुकानों तक पहुंचने के बीच होने वाले फसलों के नुकसान को रोकने पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक 15-20% दालें केवल इसी प्रक्रिया में नष्ट हो जाती हैं। अगर इसका आधा भी बचाया जा सके तो उत्पादन में वैसे ही 15-20 लाख टन का इजाफा हो जाएगा। एक और अहम तकनीक लेजर लेवलिंग की है, जिससे नमी और पोषक तत्वों का खेतों में समान वितरण हो सके। हालांकि ये एक खर्चीला काम है जिसमें सरकार को मदद करनी होगी, फिर भी अगर इस पर ध्यान दिया गया तो उपज में आसानी से 5-7% की बढ़ोतरी हो सकती है। देश में दलहन के उत्पादन और उसकी खपत में केवल 25% का अंतर है, और IIPR के वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ ही सालों में इस अंतर को आसानी से पाटा जा सकता है। यानी साधन भी हैं और संसाधन भी, जरूरत है तो बस केवल सही दिशा में योजना बनाने की और उस पर ईमानदारी से अमल करने की। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।